नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर एकेडमी रीवा ने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हेयर का इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया, जिसमें बॉलीवुड के हेयर आर्टिस्ट सलीम खान, प्रदेश के उभरती मेकअप आर्टिस्ट आसिफ खान अपने हुनर को दिखाया। हमारी टीम ने उनसे बात की। मैं मौजूद हूँ रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। जैसा कि आप एक टीम देख रहे होंगे और एक स्क्रीन पर एक बैनर लगा हुआ है, वन डे हेयर स्टाइल मेकअप सेमिनार यहां पर आज आयोजित था। इंटरनेशनल फेम का शख्स हमारे साथ मौजूद था, आज हम बात उनसे करेंगे। दो उनने हेयर स्टाइल की है, वो हेयर स्टाइल भी आपको दिखाऊंगा। अभी तक आप लोग अपने टीवी स्क्रीन पर वो हेयर स्टाइल देखा करते थे, आज रीवा ने पहली बार वो हेयर स्टाइल यहां पर देखी है, देखी नहीं सीखी भी है। सबसे पहले बात करूंगा अर्शी से, जिन्होंने आज एक शानदार मेकअप किया। जब आप मेकअप कर रही थी तो आपने जिन मॉडल्स के ऊपर मेकअप करा था तो क्या दिमाग में था, किस तरीके का मेकअप किया? मैंने हेयर स्टाइल के हिसाब से मेकअप किया है, जैसा उनका लुक था, जो उनका ड्रेसअप था, आउटफिट था, उसके हिसाब से मैंने मेकअप किया है। तो उसके हिसाब से सलीम सर ने उनका हेयर स्टाइल किया है। सलीम सर ने आपके मेकअप पर हेयर स्टाइल की, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं कि यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँच गए, कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया और अच्छी जर्नी होगी इंशाल्लाह। अच्छी जर्नी होगी, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। यहाँ पर आयोजक भी, पहले आयोजक से बात कर लेता हूँ, किस तरीके से आयोजन करने का प्लान था? हमारा एक छोटी सी सोच थी हमारे अंदर कि कई टाइम से, लंबे पीरियड से एक मेकअप के सेमिनार कंटिन्यू चल रहे थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आए, लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमें एक हेयर आर्टिस्ट चाहिए। हमारे दिमाग में थी एक कमी थी, मेकअप तो बहुत अच्छे थे पर हेयर स्टाइल हमारे पास अच्छी नहीं थी। मेकअप तो बहुत सारे किए, रीवा में हेयर स्टाइल का वर्कशॉप सेमिनार पहली बार आयोजित किया गया था। आप मुंबई से रीवा आए, आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके लिए मैं पूरे रीवा शहर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। जब आपने रीवा में आज ऑडिटोरियम में मेकअप किया तो ये ऑडिटोरियम कैसा लगा, यहां पर मेकअप कैसा किया? सर, ऑडिटोरियम तो बहुत ही अच्छा है एंड यहां का लोकेशन भी बहुत अच्छा है और मुझे यहां पे हेयर स्टाइल सिखा के बहुत अच्छा लगा। और रीवा में आने के लिए मैं काफी दिन से एक्साइटेड था और बहुत अच्छा लगा यहां पे। जरा अपने बारे में बता दीजिए, मैं बताऊं उससे ज्यादा बेहतर है, आप बताइए। जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जेंट्स के काम से, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तो मैंने फिर कलर केमिकल का सीखा, फिर उसके बाद में फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा, हेयरस्टाइल सीखा, फिर उसके बाद में मुझे इंटरेस्ट हेयरस्टाइल में ही था पहले से, तो मैं हेयरस्टाइल में ही, इस फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे ही सबको अपने साथ में लेके चलना चाहता हूँ। अभी आपसे और ढेर सारी बात करूंगा। आपने ये दो लड़कियों के ऊपर हेयर स्टाइल की है, अर्शी ने मेकअप किया, तो इन बच्चों से बात कर लेता हूँ। ये बताइए, जैसा कि आपके ऊपर ये हेयर स्टाइल है, आपने कभी सोचा था कि ऐसा मेकअप, ऐसा हेयर स्टाइल हमारे शहर में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, बट रियल लाइफ में ऐसा हुआ, अनबिलीवेबल था। और हमने हेयर स्टाइल प्लस मेकअप भी किया, सब कुछ बहुत अच्छा था। रियल लाइफ में ऐसा हुआ, ये एक बड़ी बात है, इसका सीधा सा अर्थ है हमने सोचा ही नहीं था कि हम रीवा शहर में, अपने शहर में हमारे ऊपर इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। बताइए, आपने आज मेकअप करवाया, सलीम सर ने मेकअप किया, अर्शी खान ने आपका, अर्शी खान ने मेकअप किया, सलीम सर ने हेयर स्टाइल की, आपने कभी सोचा था कि आपके ऊपर इतनी खूबसूरत हेयर स्टाइल भी बन सकती है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मतलब रीवा शहर में ऐसी हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं, और हुआ है सिर्फ सलीम सर की वजह से, वो यहाँ आए। थैंक यू सर, हमारे ऊपर इतना अच्छा हेयर स्टाइल किया। सलीम सर आए, आपने दो लोगों पर हेयर स्टाइल दिखाई, अर्शी खान ने मेकअप किया जी। अर्शी के मेकअप के बारे में कुछ बताइए पहले। मैम का काम तो पहले से माशाल्लाह है, मैं काफी सालों से उनको फॉलो करता हूँ एंड आज लाइव देखा, लाइव मिला, बहुत अच्छा लगा। मुंबई में जिस तरीके से अर्शी के मेकअप की आपने तारीफ की, रीवा शहर के लिए बड़ी बात। मुंबई में जिस तरीके से आज की तारीख में स्क्रीन पर जो लोग देखते हैं, यहाँ पर आपने सिखाया जी, क्या आपको लगा कि आपकी एजुकेशन, आपके रीवा आने का मकसद पूरा हुआ? यस, पूरा हुआ, पूरा हुआ मकसद मेरा।
बच्चों ने किस तरीके से सीखा और आपको क्या लग रहा है कि दोबारा भी अगर आपको कोई बुलाए तो क्या आप आएंगे? मैं भी आऊंगा और जो सीख रहे हैं वो भी आएंगे कंटिन्यू, इतना तो भरोसा है। साफ तौर से सलीम अंसारी जी का कहना है, अपने आप में रीवा शहर में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, अपने दर्शकों को भी मैं एक बार बता दूं, बॉलीवुड का एक बड़ा नाम राज कपूर की शादी इसी जगह से हुई थी, उन्हीं की याद में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया था, जहां पर आज बॉलीवुड के ही चमकते हुए सितारे सलीम अंसारी ने रीवा शहर की लड़कियों के ऊपर एक शानदार हेयर स्टाइल दी। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।